हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका अक्टूबर महीना कैसा गुजरने वाला है। अक्टूबर 2024 में आपके लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, चेंजेस आने वाला है, यही हम आज चेक करने वाले हैं डिटेल में। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है नाइन ऑफ एरियल, सेकेंड यहाँ पर है सिक्स ऑफ कैब्रियल एंड लीप ऑफ फेथ। ओके, एट ऑफ माइकल, द चैरियट, नाइट ऑफ माइकल, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द टेक में है एट ऑफ कैब्रियल। एट जो नंबर है वो यहाँ पर आई थिंक टू टाइम्स रिपीट हुआ है। ओके, सो डेफिनेटली अक्टूबर महीने में आपका फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो थोड़ा सा बेटर होने वाला है। आप थोड़ा सा स्टेबल नज़र आ रहे हो मुझे फाइनेंशियली एंड ग्राउंडेड भी। ऑल्सो अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अक्टूबर महीने में ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हो, बहुत सारे एक्शंस डिसीजंस लेने वाले हो, बहुत सारे काम एक साथ हैंडल करने वाले हो। ओके, एंड दिख रही हैं बहुत सारे डील को क्रैक करते हुए दिख रहे हो, बहुत सारे कामों में इंटरेस्ट दिखाते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर काम करने का जो जोश है ना वो यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है मुझे। एंड साथ में दिख रही हैं आप जो काम करोगे, हर एक काम का, हर एक एफर्ट का अच्छा खासा रिजल्ट आपको सडन वे में एकदम से इमीडिएट तरीके से मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। मतलब कि बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा आपके काम के रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए। फाइन, एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अक्टूबर महीने में, वो चाहे आपके घर के सदस्य के साथ हो या फिर बाहर के लोगों के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, नो मैटर, कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बिना कम्युनिकेशन किए आप चीज़ों को ठीक कर लोगे या फिर बिना कम्युनिकेशन किए ही आप जीत जाओगे किसी जगह से, तो ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन करके आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल निकालना पड़ेगा एंड निकलती हुई भी दिख रही हैं। ओके, सो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। अगर किसी का लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के थ्रू ही सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है। सो यस, यहाँ पर वगू की एनर्जी अलग से दिख रही है। एंड साथ में एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हैं। ओके, एंड आज साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। एंड फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं। सो अक्टूबर महीने का जो स्टार्टिंग का टाइम दिख रहा है मुझे वो यहाँ पर बता रहा है नाइन ऑफ एरियल के थ्रू कि योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड। आपके कुछ ड्रीम्स रियलिटी में बदलने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो अक्टूबर महीने के स्टार्टिंग में। बहुत सारी चीज़ें, गिफ्ट आपके पास आने वाला है, मन से आप सेटिस्फाइड फील करने वाले हो। हार्ड वर्क लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, डेफिनेटली आपके हार्ड वर्क का फल आपको मिलने वाला है। कुछ एफर्ट का, कुछ इन्वेस्टमेंट का फल आपके पास आते हुए दिख रहे हैं अक्टूबर स्टार्टिंग में। अ लव फ्रॉम ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ। ओके, लव को आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हो। लव आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ मैजिकल सिचुएशन क्रिएट होने वाला है लव लाइफ के साइड से, वो चाहे आप सिंगल हो या फिर एग्जिस्टिंग को रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, नो मैटर। एंड यहाँ पर एट ऑफ माइकल की एनर्जी है। यू कैन बी फ्री, मेक करेज योर चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। ओके, सो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि अक्टूबर महीने के स्टार्टिंग में आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेने वाले हो जिसके दौरान आप खुद फ्री हो सकते हो। आप अभी तक हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा तरीके से फंसे हुए हो, बहुत ज़्यादा तरीके से हेजी सिचुएशन में हो, बहुत ज़्यादा तरीके से स्टक फीलिंग्स में हो, स्टक सिचुएशन में हो, नो मैटर। उस सिचुएशन से आप बाहर आने वाले हो अक्टूबर स्टार्टिंग में। आपके मन के कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है। आप
खुली तरीके से एक्शंस ले पाओगे, सोच पाओगे, आसमान में उड़ पाओगे, कहीं ना कहीं फ्रीडम आती हुई दिख रही है। जो चीज़ आपको बांध के रख रहा था उस चीज़ से आपको मुक्ति मिलने वाला है। ओके, एंड इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा हिम्मत भी दिखाने वाले हों, आपके अंदर करेज जनरेट होती हुई दिख रही है। ओके, हो सकता है कि आपको फ्यूचर ठीक से दिखाई ना दे, मतलब कि आपके कुछ एक्शन का, कुछ डिसीजन का रिजल्ट क्या होगा आपको पता नहीं होगा, बट फिर भी आप एक्शन डिसीजन लेने वाले हो, वो काइंड ऑफ रिस्क होने वाला है, बट आप रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, उस चीज़ का अच्छा खासा रिजल्ट भी आपको प्राप्त होने वाला है। लॉसेस नहीं दिख रही है। ओके, सो बेफिक्र होकर ले सकते हो डिसीजंस, वो चाहे लव लाइफ के साइड से हो, चाहे करियर के साइड से हो। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो अक्टूबर स्टार्टिंग में कोई भी हेल्थ इशू मुझे नज़र नहीं आ रही है, ओवरऑल ठीक ठाक है। एंड द चैरियट के दौरान दिख रही हैं डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, कैरियर एडवांसमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर्स। ओके, कुछ अच्छे खासे लोग आपको प्राप्त होने वाले हैं, कुछ अच्छे मशवरा लोग आपको देने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं। हो सकता है आपके घर वाले आपको कुछ अच्छा बातें कहें जिसके दौरान आप कुछ गलत चीज़ से बाहर आ पाओ। हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर आप गलत वे में सोच रहे हो या फिर गलत वे में सोचने वाले हो, कोई गलत डिसीजन लेने जाओ तो कुछ लोग आपको ना आपके शुभ चिंतक आपको रोकने वाले हैं कि नहीं आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, सो डेफिनेटली आप खुद के ऊपर भी कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, कुछ इमोशंस को कंट्रोल में लाते हुए दिख रहे हो, साथ में डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हुए दिख रहे हो। आपका जो काम का तरीका है, आपका जो ट्रैक है, वो सही होता हुआ दिख रहा है, अगर गलत था तो डेफिनेटली। एंड यहाँ पर है सिक्स ऑफ कैब्रियल, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। आप अक्टूबर महीने में कोई एक जॉब को पूरी तरीके से डन करने वाले हो, कंप्लीट होने वाला है, वो चाहे कुछ भी हो, कोई पेपर वर्क हो, किसी जगह का इन्वेस्टमेंट हो। हो सकता है कि आप हर एक मंथ में पे कर रहे थे कहीं पर, या फिर हो सकता है किसी से आपने पैसा लिया था वो आप चुकता कर रहे थे, ये कंप्लीट हो सकता है। या फिर आपका कोई बहुत बड़ा गोल कंप्लीट हो सकता है, आप कुछ चीज़ें खरीदने की कोशिश कर रहे थे, किसी को पटाने की कोशिश कर रहे थे, कोई सक्सेस को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, नो मैटर, फाइन। तो आपका वो जॉब डन होता हुआ दिख रहा है, टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अवार्ड्स, स्कॉलरशिप्स और प्रमोशंस। ओके, सो कहीं ना कहीं आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ से आपका पदोन्नति होने वाला है। अक्टूबर महीने में अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका पढ़ाई में बहुत अच्छा खासा मार्क्स आता हुआ दिख रहा है। अगर आप कोई जॉब क्रैक करने के बारे में सोच रहे हो तो उस तरफ से भी 100% चांस बन रही है। एंड अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस एक्सपैंड होने का, मुनाफा ज़्यादा कमाने का। अगर आप जॉब करते हो तो प्रमोशन यहाँ पर दिख ही रही है, स्कॉलरशिप मिलने वाला है। ओवरऑल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, कि फाइनेंशियली आप स्टेबल होने वाले हो, ग्राउंडेड होने वाले हो, एक अवेयरनेस आती हुई दिख रही है। सो एंड अक्टूबर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि लीप ऑफ फेथ है, बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा अक्टूबर एंड में, मतलब कि आप रखते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड जो आपको अच्छा लग रहा है आप वही करने वाले हो, जो आपको सही लग रहा है, जो आपके दिल को खुश कर रहा है, आपको खुश कर रहा है, आप वही करते हुए दिख रहे हो। अगर आपको इस टाइम पर कहीं पर घूमने जाना अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पर घूमने जाते हुए दिख रहे हो। एक एडवेंचरियस लाइफ दिखा रहा है अक्टूबर का एंड, एंड कुछ शिफ्टिंग को भी दिखा रहा है। एंड साथ में दिख रही है डेफिनेटली कुछ ट्रस्टवर्दी पर्सन आपके सराउंडिंग में रहेंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर डेफिनेटली कोई पर्सन ना रहा तो एंजल्स तो हैं ही आपके गार्डियन एंजल, आपको सही पैथ दिखाने के लिए, आपके संग, आपके साथ देने के लिए। एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ माइकल। ओके, टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशंस, आर इन चेंज। आपके लाइफ में एक चेंज आने वाला है, एक बदलाव आती हुई दिख रही हैं, एक न्यू बिगिनिंग आता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत फास्ट आएगा आपकी लाइफ में। आपका डेफिनेटली शिफ्टिंग, जो कि मैंने पहले ही बताया, हो सकता है कोई जगह आप छोड़ो, हो सकता है आप जहाँ पर काम करते हो वो जॉब आप छोड़कर कोई बहुत बड़े नौकरी को ज्वाइन कर लो, या फिर आपकी बिज़नेस आप ग्रो करते करते कोई नया बिज़नेस ओपन कर लो। कुछ ना कुछ शिफ्टिंग दिख रही है, आपके अंदर का कुछ रियलाइजेशन भी हो सकता है। कहीं ना कहीं जो भी शिफ्टिंग आएगा, जो भी मूवमेंट्स दिख रही हैं, वो बहुत सडन एंड अच्छी दिख रही हैं, पॉजिटिव दिख रही हैं। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर एक कन्फ्यूजन तो पैदा हो रहा है कि आप मन से सोचोगे बट करते टाइम आप दिमाग की सुनते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके,
सो ओवरऑल आप दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर काम करते हुए दिख रहे हो, ना पूरी तरीके से प्रैक्टिकल ना पूरी तरीके से इमोशनल। देख लेते हैं बोनस कार्ड क्या कह रहा है अक्टूबर महीने के लिए। ओके सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। वाओ हैप्पीनेस, ब्यूटीफुल एनर्जी है अक्टूबर महीने में आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस आ रही है, पार्टनरशिप अच्छी होती हुई दिख रही है, लव रोमांस की कमी नहीं दिख रही है, न्यू बिगिनिंग्स दिखा रहा है सन तो यहाँ पर है ही, कुछ खुशखबरी आपके पास आती हुई दिख रही है, हेल्थ ओवरऑल अक्टूबर महीने में गुड रहता हुआ दिख रहा है, अगर कुछ हेल्थ इशू हैं तो वो रिकवर होने वाला है, हीलिंग आती हुई दिख रही है एंड ट्रबल शिफ्टिंग यहाँ पर भी दिखा रहा है। डिलाइट, ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके सो मन जो है वो आपका प्रफुल्लित रहने वाला है, ओवरऑल कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग में नहीं दिख रही है अक्टूबर महीने में। सो चिल करो एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। सो थैंक यू कैप्रिकॉर्न, थैंक्स फॉर वॉचिंग, रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।